जेईएस के टास्क फोर्स की बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि सभी अधिकारी प्रोएक्टिव होकर कार्य करें और जेईएस जो भी दायित्व उनके विभाग से संबंधित है उसकी कार्य योजना बनाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें। मंडलायुक्त ने कहा कि आशा एएनएम की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें सबल बनाएं तथा समय समय पर पार्टनर एजेंसियों द्वारा जेईएस से जुड़े डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा एएनएम ट्रेनिंग कराए तथा स्कूल में हर बच्चा हाथ धुलने के उपरांत ही कक्षा में जाए। बैठक में अपर निदेशक स्वास्थ्य सहित चारों जनपदों के अधिकारी उपस्थित रहे। कुछ समय आपके पेशेंट तक हो जाएंगे 100 से ऊपर, तो इतने ज्यादा एक स्थिति रखने का फायदा नहीं है। कल सीएम साहब ने भी निर्देश दिया और एक डीजीएमई का आदेश भी आ गया जो मैंने भेजा था कि एसपी में हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें जो है गोरखपुर के लिए रखना पड़ेगा। इन लोगों को पहले से किया गया, मंडे 10 बजे के बाद कोई किसी का पेशेंट जिले के बाहर मुंह मत कराइए, आप अपनी फैसिलिटी शुरू करिए। सेंट्रल अकेडमी में बहुत जगह है, मेरा अच्छा होगा कि आप उसको पहले से ही 200 बेड पर शुरू कर दें। कुशीनगर आपने कहा किया है हाँ ओके, जहाँ हम गए थे ना वहाँ कुछ पड़ा बेड वेड पड़ गया, ठीक है, और हाँ उसको चेक कर दीजिए, उसमें कोई वहाँ पर कंप्लेन ना हो, क्योंकि अभी तक पिछले 1-1.5 महीने से गोरखपुर में हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग फैसिलिटी मॉनिटर कर रहे थे। अब ये कंप्लेन आनी शुरू नहीं होनी चाहिए कि प्लेट यहाँ घूम रही है, बंदर खा रहा है, कुत्ता खा रहा है, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। भोजन 2000 कैलोरी से कम ना हो, स्पेशली मेरे पास पेशेंट के भोजन की बात कर रहा हूँ। नंबर 2, लॉन्ड्री आप जैसे भी कराएं माइक्रो फ्लोराइड से करके वो करें, अन्य मुख्यमंत्री जी भी कभी कभी पेशेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। नंबर 3, बायोमेडिकल वेस्ट पूरा उस फैसिलिटी का जो भी है, खाना है, प्लेट है, जो भी है, वो पर्सनली मॉनिटर कर लें, जैसे तो जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। नंबर 4, उसी से जुड़ा हुआ पॉइंट जो मेडिकल इन्फेक्शन का है, उसको आप तीनों लोग देख लें। एंड खाना आपका हो गया, लॉन्ड्री हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, और आपके पर्सनल का जो एक्टिव क्वारंटाइन है वो देख लीजिए, उसके आने जाने की व्यवस्था देख लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर वेट कर रहे हैं फिर कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करते हुए मंडे 10 बजे के बाद से फिर हम किसी जिले को किसी जिले में मूव नहीं करेंगे। जब तक मंडे के 10 बजे तक ये कर लेंगे तब तक एडी साहब आप मॉनिटर करके सीएम गोरखपुर की रेलवे फैसिलिटी एडजस्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप कोई अभी स्पष्ट बता दें कोई ऐसा जनपद है जो मंडे 10 बजे तक नहीं कर पाएगा अपना एरल संपर्क शुरू, मंडे को 10 बजे तक नहीं कर पाएगा, एडी हेल्थ की कंडीशन से आप 10-12 घंटे और देख लीजिए, लेकिन इसको तुरंत करना जरूरी है क्योंकि गोरखपुर में ऑलरेडी इनके पास 90 क्रॉस कर चुका है, मतलब एलथी को लेके बता रहा हूँ, तो वो ठीक नहीं है। अब एईएस आप खत्म कर दीजिए 20 मिनट, उसके बाद हम 20 मिनट डिस्कस करेंगे। बताएं इसकी प्रेजेंटेशन लगाए तो लगाइए मैं मिनट से चलता हूँ, खैर 18 तक हो गया मैं आपको जमा बताइए हमारे मार्सी और जो भी हैं ये देखिए हमारा फोकस कोविड है, लेकिन हम उनसे फ्लाइट से अपनी नज़र हटा नहीं सकते, और इसलिए मैं उस दिन से वो कुशीनगर पर बहुत ज़्यादा नाराज हुआ था और मेरी नाराजगी जिलाधिकारी तक भी थी कि आशा को आप भूल नहीं सकते हैं। ये सारी बीमारियों में सारे का केंद्र ढूंढ, जैसा भी निर्देश जब भी आएगा आशा एएनएम आशा एएनएम आशा एएनएम, इसके लिए मैं कहता हूँ कि उनको सबल करिए, उनकी बातें सुनिए, उनको इग्नोर मत करिए, उनका प्राप्त उनको समय मत दे दीजिए। आप उनको इग्नोर करेंगे की टाइम में वो आपके साथ नहीं होंगे। 3-3.5 हज़ार रुपये में आप किसी की वो नहीं कर सकते, इनको आप थोड़ा सा इनकी बात सुनते हैं ना, वो 1 हज़ार रुपये के धूप में फ्लायर लगाने को तैयार है।